हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल बाय युक्ति। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ बहुत ही सुंदर से फेस्टिव डेकोर DIYs शेयर करूंगी, जो कि आई एम श्योर इस फेस्टिव सीजन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इस तरह की प्लेन वॉल हम सबके घरों में होती है, तो उसको थोड़ा सा एलिवेट करने के लिए या इन्हांस करने के लिए आज मैं आपको कुछ DIY आइडियाज़ बताऊंगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले यहाँ पे आप किसी भी शेप का और किसी भी लेंथ का आप मैट्रेस ले सकते हैं। मैट्रेस तो सबके घरों में ईजिली अवेलेबल होते हैं, एंड इसको अब मैं यहाँ पर कवर करूँगी एक बहुत थीम के सोफ़ा थ्रो के साथ, जिससे इसकी थोड़ी सी जो लुक है वो इन्हांस हो जाएगी। तो यहाँ पे ना मैंने ये दुपट्टा का यूज़ किया है। आप चाहे तो बनारसी सिल्क, बांधनी, किसी भी तरह के दुपट्टा जो कि आपके घर में हो, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए या एज अ सोफ़ा थ्रो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही में मैचिंग कुशन्स यहाँ पे लिए हैं। एंड छोटी छोटी चीज़ें अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। तो एम्प्टी वॉल को यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए मैं ये कुछ टोरंस ले रही हूँ, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा जो पीछे का एरिया है और जो हमारी खाली वॉल है उसका एरिया भी कवर हो जाएगा। एंड इनको मैं स्टिक कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ डबल टेप, तो उससे ये आराम से अच्छे से स्टिक हो जाती हैं। तो ये आप लोग देखोगे कि कितने अच्छे से एक प्लेन वॉल जो है वो डेकोरेट हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने ना ऑर्डर किया था मीशो से ये 9 पीसेस का ऑर्डी सेट, एंड ये काफ़ी अच्छा आया है। एंड आप लोग भी कुछ इस तरह के सेट जो है वो मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड इसकी जो क्वालिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी, एंड पूरा अप टू द मार्क था जिस तरह से पिक्चर के अंदर शो किया गया था। एंड इस फेस्टिव सीज़न में ये इस तरह के ऑर्डी सेट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थम्स अप रहने वाले हैं एंड एलिवेट कर देते हैं इस स्पेस को। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है ये कुछ प्लांट्स को, एंड जो फ्लावर की टोरंस होती है ना, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो रंगोली बनाने के लिए। मैंने लास्ट दिवाली में भी कुछ इस तरह के टोरंस का यूज़ करके अलग अलग तरह के पैटर्न्स फॉर्म किए थे एंड रंगोली बनाई थी। इससे एक तो बिल्कुल भी मैस नहीं क्रिएट होता, एंड ये काफ़ी ईजी टू मेक होती हैं। कोई भी इसका यूज़ करके आप कैसा भी पैटर्न फॉर्म कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखोगे जो हमने आज का सेटअप किया है ये है उसकी एक फ़ाइनल लुक। तो आप इस तरह से ऑर्डी के अंदर पानी डाल के कुछ दिया रख सकते हो या खाली फ्लावर्स भी इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। तो ऐसे ही एक आप कुछ इस तरह से मिट्टी की मटकी का यूज़ करके, एंड ये फ्लावर जो कि टोरंस है उनका भी यूज़ करके कुछ इस तरह का डिज़ाइन या रंगोली भी बना सकते हो, जो कि बहुत सुंदर लगती हैं। आप इसको किसी भी घर के कॉर्नर में या लिविंग रूम की स्पेस में बना सकते हो। एंड ये मटकियाँ मैंने खुद ही डेकोरेट करी है, जिनकी फुल वीडियो मेरे चैनल पर भी है, आप वो भी जाके ज़रूर चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे है ये थर्ड आइडिया, जिसमें आप कुछ इस तरह के ऑर्डी सेट्स का ही यूज़ करके एक सुंदर सा जो सेटअप है वो क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी तरफ से कैसे भी, जैसे आप चाहो इसको अरेंज कर लो, चाहे आप इसको स्टेयरकेस पे बनाओ, चाहे लिविंग एरिया के अंदर बनाओ, चाहे एंट्रेंस के ऊपर बनाओ, ये जो सेटअप है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। साथ ही में आप कुछ फ्रेश फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकते हो इसको और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए। तो उससे क्या होता है, जो फ्रेश फ्लावर्स की इनफैक्ट जो फ्रेग्रेंस होती है उससे भी क्या होता है, काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो फोर्थ, आप कुछ इस तरह के कोस्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड उनके अराउंड आप दिया प्लेस करके सुंदर सा कोई रंगोली का डिज़ाइन भी फॉर्म कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इनके ऊपर आप टी लाइट कैंडल्स भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों को एक ये कोस्टर भी बनाना सिखाऊंगी, ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा ईजी हो जाए एंड आप बजट फ्रेंडली अपने घर में डेकोर या सेटअप कर सको। तो फ्रेंड्स, ये है इस सेटअप की फाइनल लुक। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये कैसी लगी।
सो गाइज दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बने रहिएगा ऐसे ही और सुंदर सुंदर फेस्टिव डेकोर्स के लिए एंड न्यू आइडियाज़ के लिए। थैंक यू।